हेलो गाइस, तो आज है 2 तारीख 9 अप्रैल, रात के 11 बज रहे हैं और हम लोगों का डोला फिर से कहीं सज गया है। ये देखिए साहब लॉक कर रहे हैं गेट और हम लोग, हमारी पूरी लवली फैमिली कहीं जा रहे हैं। हम लोग गुड़ागिरी जा रहे हैं दर्शन करने, बहुत दिनों से इनका मन था, सो आज फाइनली प्लान हो गया है एकदम से और हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, निकलने वाले हैं। बाकी फैमिली नीचे है, मिलवाते हैं आपको सभी से। स्लीपर पहन के चल रहे हो क्या? तो जैसा कि आप देख रहे हैं फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइज हम लोग तैयार हो गए हैं निकलने के लिए। हे इधर आओ, सब अपने अपने बैग लिए रेडी हैं। ये है देखो बैग हमारा, एक एक बैग सभी का तैयार हो गया है क्योंकि गाड़ी में डिग्गी खाली है तो उसमें बैग भर जाएगा। ये है तेजस, अपना बैग लिए रेडी है, सब अपना पर्सनल बैग रखते हैं। और ये रही मेरी प्यारी सासू मोम जो हम लोगों के साथ जा रही है दर्शन करने माता रानी के। और ये डैडी पानी वानी का इंतजाम कर रहे हैं, बॉटल भर रहे हैं। बनैली का वीडियो, जय माता रानी की। हे इधर देखो, डिग्गी खोलो डिग्गी। फाइनली हम लोग निकल गए विद फैमिली। ये देखिए मम्मी, डैडी, छोटी, तेजस, राज, सब लोग आ गए गाड़ी में। ये वर्दी रख रहे हैं। और ये रहा व्यू रोड का, बहुत ही अच्छा लग रहा था जो कि। और ये हम लोगों की कुल्हड़ वाली चाय ऑन कर रहे। मंदिर हम लोग कहाँ, लखीमपुर में है ना? अब वही लखीमपुर में। माता रानी वाला बोले बुढ़ागिरी माता की जय। रुको इधर, अब देखो आने वालों वाले जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय जयकार मैया जी की, जय जयकार। जय माता दी, जय माता दी। गई
जय माता की, जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की। चलो भैया चलो 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 वो रहता है ना, सलाम बोलते हैं उसको। ये यहाँ का यही नजारा है, यहाँ सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे इधर भी सब बैठे हैं, थक गए हैं सब, सुबह से लाइन में लग लग के। ये ये भीड़ आप देख रहे हैं, इतनी श्रद्धा है, सारे जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। बहुत सारे भक्त आए थे माता रानी के दर्शन के लिए, और हम लोग वापसी कर रहे हैं, तो एक छोटी सी क्लिप बना ली है हमने श्रद्धालुओं की, और सब जय माता दी के नारे लगाते हुए अपनी अपनी श्रद्धा अपनी अपनी मनोकामना के साथ चले आए हैं। माता रानी ने हमें दोबारा बुलाया है, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे, अच्छा लग रहा था देख के सब कुछ। माता रानी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हमारे भी क्लास में बैठ रहे थे तो आ जाते थे चेकिंग करने।
कोरोना भी देवी नाम नॉर्मल है बिल्कुल। हां सही है। हाँ ये बंद भाई हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और अब मीठे शेर के जैसे खाने पे जल गए हैं। अभी हम लोगों ने खाई है और अब खाने जा रहे हैं खाना नॉर्मल से ढाबे पे यहाँ कोलागिरी माता मंदिर पे। क्या होगा सारे भूखे शेर बैठे हैं। सब थक हार के चूर हो गए हैं, बहुत थक गए हैं सब। तो सबसे पहले हम लोगों ने मंगाई थी मैगी क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है और भूख बहुत ज़ोर की लगी थी। बिना खाए पिए सब लोग दर्शन करने गए थे, मैगी खा के फिर मंगवाया खाना और सबने खाना खाया। देन हम लोग यहाँ से निकल लिए वापस घर की तरफ। ठीक ही था, बहुत वैसा नहीं था। पर अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, तेजस थक गए हैं तो उनके बाबा ने उनको घोड़ैया ले लिया है। भैया इतने थक गए हम लोग, सुबह 7 बजे से घर में लगने लगे और 2:30-3 बजे दर्शन हुआ है। माता रानी में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कल दोनों लोग की वीडियो बन रही है। और माता रानी के दरबार से आते टाइम रास्ते में ये बहुत ही प्यारी सी जगह है, वहाँ पे सब लोग सारे टूरिस्ट रुकते हैं और इस तरह का कुछ नज़ारा है। यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम भी रुके हुए थे और इस बार भी रुके और इंजॉय किया काफ़ी पानी में। वहाँ से जो थकान होती है ना, यहाँ आके पानी में पैर डाल के 10 मिनट बैठ जाओ, सारी थकान दूर हो जाती है। ये शारदा नदी है, इसको काली नदी भी कहते हैं। यहाँ का पानी हरा टाइप का दिखता है, बहुत ही साफ फ्रेश पानी होता है। हम लोगों ने फुल्ली इन्जॉय किया यहाँ पे खूब सारा। और ये तेजस, इनका पानी से निकलने का मन ही नहीं होता है। ये पत्थर फेंक रहे थे पानी में, सबने खूब इन्जॉय किया यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग निकले, वहाँ पे कढ़ी चावल खाया, भंडारा चल रहा था, माता रानी का प्रसाद मिला हम लोगों को, कढ़ी चावल और सब्जी पूड़ी। और ये शायद डैडी स्लिप कर गए थे पत्थर पे, तो ये कुछ बना रहे हैं उनका। और अभी ये छोटी रानी का एंजॉयमेंट तो रह ही गया था, खूब इंजॉय किया इन्होंने पानी में, खूब वीडियो बनाई अपने मंजी के साथ। और ये देखो क्या मज़े किए जा रहे हैं एकदम पानी के साथ। ये मम्मी डैडी, इन लोगों ने भी जम के एंजॉय किया। पिछली बार मम्मी तो आई थी बट डैडी रह गए थे, तो इस बार मम्मी डैडी दोनों लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी फैमिली साथ में है। और ये सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही मज़ा आया है, सबने बहुत ही इंजॉय किया है। और ये मेरा लाडला देवर देवरानी जी पानी के बीच मस्ती करते हुए आपस में। और फाइनली हम लोग घर की तरफ बढ़ गए खा पी के प्रसाद। और ये वो जंगल पड़ा था तो हमने थोड़ा सा रास्ते की वीडियो ले ली है, बहुत ही लखीमपुर वाला दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था। सो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की बनती है, आप लोग बताइएगा हमारी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की बनने वाली है। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। बाय।